अनाज मंडी की एक दुकान सील किए जाने के विरोध में व्यापारी एवं विधायक एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठी। विधायक ने प्रशासन पर दबाव में कार्य न करने की नसीहत दी एवं दुकान सील करने की कार्रवाई को राजनैतिक प्रेरणा से की गई कार्रवाई बताया। दरअसल सोमवार को अनाज मंडी में जयेश ब्रदर्स दुकान को प्रशासन द्वारा ताला लगाकर सील कर दिया था। प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई उस समय की गई जब मंडी बंद थी एवं दुकान का मालिक भी मौजूद नहीं था। इस कार्यवाही के पहले दुकान मालिक को भी जानकारी नहीं दी गई। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई मंडी प्रशासन के द्वारा दुकान के अतिक्रमण में होने के कारण की गई, जबकि तिलहन व्यापार संघ एवं विधायक द्वारा इस कार्रवाई को राजनैतिक प्रेरणा से की गई कार्रवाई बताया और एसडीएम कार्यालय के सामने सभी ने मिलकर धरना भी दिया। वैसे तो मंडी बंद है, पिछले कुछ दिनों से मंडी में कोई काम नहीं हो रहा, बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। इसके बाद आज एक व्यापारी के ताले को सील किया गया, ये एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं था, व्यापारी भी नहीं है यहाँ पे और मंडी के खुद सेक्रेटरी साहब भी आज बासुदा में नहीं गए, विदिशा में, और उन्होंने ये इस तरीके की जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई करी उसके खिलाफ आज हम सब व्यापारी वर्ग और भारतीय जनता पार्टी एक साथ उतरी थी। क्या कार्रवाई की गई उसके बाद? उनके तालों को सील किया गया था। उसके बाद क्या कार्रवाई की गई अभी आपके धरने के बाद? धरने के बाद उन्होंने ताले की सील हटा दी है। किस किसने की थी ये सील? सील प्रशासन की तरफ से थी। कौन से मुख्य अधिकारी? कौन थे? सेक्रेटरी एसडीएम साहब हैं।